सभी किसान भाइयों को राम राम। यार हमारे प्याज की छटाई चालू कर दी है हमने। ये दो तरह की ग्रेडिंग हो रही है, इसमें एक बड़ा वाला प्याज और छोटा वाला प्याज, दो तरह का प्याज। और हमने ऐसा किया है कि प्याज को पहले खेत में से उखाड़ कर काट कर ऐसी ढेरियाँ बना दी है। एक ढेरी है, दूसरा ढेरी वो दिखाई दे रहा है, और तीसरा वाला ढेर वो रहा, चौथा और पांचवा और छठा। पूरा खेत में कुल मिला के 6 ढेरियाँ हैं। हम ऐसे उखाड़ कर ढेरियाँ बनाकर फिर इसकी ग्रेडिंग करते हैं। और इसके बाद ये प्याज है, देखो छोटा प्याज है, ज़्यादा बड़ा वाला नहीं है। दो ग्रेडिंग बनी है इसकी, एक ये और एक से छोटा साइज वाला है। ये दो तरह की ग्रेडिंग हुई है। अब इसको हम स्टॉक रखेंगे, अभी लगभग इसको जून जुलाई के समथिंग में बेचेंगे, तब तक थोड़ा रेट भी मिल जाएगा। हाँ, पर ये है कि थोड़े सड़न तो होगी, छटाई ग्रेडिंग करनी पड़ेगी इसकी, इसके बाद फिर बेचेंगे। आप कैसे क्या प्याज की छटाई करते हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये जो हम प्याज है इसको ऐसा करते हैं कि जब खेत में से इसको उखाड़ते हैं, इसको एक एवरेज एक खेत में हम इसकी जो प्राइस रखते हैं, मजदूर उनकी मजदूरी लेते हैं, वो एक बीघे खेत में लगभग 6,000 रुपये बीघे के हिसाब से इसको मजदूर खेत से बाहर निकालते हैं। उसमें छटाई और जो ये कट्टे जो बोरियां पकड़ते हैं वो वही पकड़ते हैं। सिलाई हम करते हैं, जैसे मैं भी सिलाई कर रहा हूँ, ये हाथों से सिलाई करते हैं हम। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ये हमारी एक ढेरी जो थी, ढेर था वो छटकर कंप्लीट हो गया, उसमें 175 बोरी कंप्लीट हुई है। अब 5 ढेर और बचे हुए, 5 में से देखते हैं। ये थोड़ा छोटा वाला ढेर था, दूसरे थोड़े बड़े हैं। अब देखते हैं उसमें से कितनी बोरियां निकलती है। इस ढेरी में से 175 बोरियां भराइए। अगली की छटाई चल रही है, ये अब देखते हैं इसमें से। ये भी थोड़ी छोटी ढेरी है, बाकी बड़ी है। अब देखते हैं इसमें कितनी बोरियां निकलती है।